1941 में एक सुस्त रविवार की सुबह हवाई का ओहू द्वीप और अधिक शांत या आदर्श नहीं दिख सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की प्रशांत वायुसेना की हाल ही में सैन डिएगो से द्वीप पर तैनाती और पर्ल हार्बर में आधार स्थापन के बावजूद यह संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना की प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के साथ प्रमुख युद्धपोत फोर्ट द्वीप के बाहर एक लाइन में व्यवस्थित थे। बंदरगाह का यह हिस्सा युद्धपोत रो के रूप में उचित रूप से प्रसिद्ध हो गया था और इन लगभग अजेय युद्धपोतों की दृष्टि ने सभी को यह मानने पर मजबूर कर दिया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की शक्ति निस्संदेह है। और फिर भी सूरज उदय हो रहा था। शाब्दिक और अलौकिक रूप से एक विशाल विमान सेना पर स्पॉटलाइट डाल रहा था जो सुबह के आकाश में फट गया और इतिहास में समाहित हो गया। यह पर्ल हार्बर पर हमले की कहानी है। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। बीसवीं शताब्दी के आगमन पर यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां अब भी विश्व पर शासन कर रही थीं। नई उभरती हुई शक्तियां जैसे कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका और जापान ने औद्योगिक और सैन्य रूप से कच्ची चीजों को पकड़ लिया था, जिससे उन्हें ग्लोब पर बहुत कम दावा करने की जगह बची। सभी विश्व शक्तियों में शायद जापान को 1900 की शुरुआत में सबसे कम महत्व दिया गया था। निश्चित रूप से यह दूर पूर्व में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति थी, लेकिन पश्चिमी अहंकार और नस्लीय पक्षपात अक्सर उन्हें यूरोप के प्रभाव के लिए कोई गंभीर खतरा मानकर नकार देते थे, विशेषकर चीन में, जिसे अक्सर पश्चिम के सुर में नाचना पड़ता था। हालांकि यह 27 मई 1905 के बाद बदलना शुरू हुआ। युद्ध जापान और सबसे पुराने और शानदार साम्राज्यों में से एक यानी साम्राज्यवादी रूसी संघ के बीच फूट पड़ा था और उच्च समुद्रों पर नौसेना की प्रधानता के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध की तैयारी संघर्ष में की गई थी। अधिकांश सैन्य नेताओं ने आशा की थी कि रूसी संघ नौसेना जापानी नौसेना को धृष्टता से हटा देगी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जापानी ने न केवल रूसी संघ नौसेना को पराजित किया बल्कि केवल सीमांत हानि के साथ इसे समाप्त किया। इस विजय के परिणामों का व्यापक प्रभाव था, जिसे 1905 में कुछ ही लोगों ने सचमुच महसूस किया, लेकिन आने वाले दशकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। आधुनिक युग में पहली बार एक एशियाई साम्राज्य ने एक यूरोपीय साम्राज्य को पराजित किया, जिससे रूसी संघ प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची और उसकी स्थिति कमजोर हुई यूरोप में, जिसने पहली विश्व युद्ध के आगाज और अंततः रूसी संघ क्रांति के लिए योगदान दिया। जापानियों के लिए यह विजय ने उन्हें साहसी बनाया और इसने बाद की महिमा उत्पन्न की। इसने सैन्य को जापानी संस्कृति में अधिक प्रमुखता दी, समुराई और योद्धा के तरीकों के उल्लेख के साथ। उन्होंने सैन्य निर्माण जारी रखा और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाया, जिसने उन्हें रूसी संघियों पर श्रेष्ठता प्राप्त करने में सहयोग किया। नई जापानी युद्धपोत यूरोपीय समकक्षों से बराबर या बेहतर थे। जब जापान ने पहले विश्व युद्ध में सहयोगियों की मदद की, तब जापानी युद्धपोत मध्य सागर में जर्मनी के खिलाफ प्रवेश करेंगे, जिसने यूरोपीय एडमिरलों को परेशान और चिंतित किया। जापानी सेनाएं एशिया में जर्मनी की संपत्तियों पर सफल अभियान चलाकर अपनी प्रमुख शक्तियों की स्थिति को मजबूत किया। युद्ध समाप्त होने के बावजूद जापान को अनुभव हुआ कि वह अभी भी मेज के शीर्ष पर बैठने के लायक नहीं माना जा रहा था। इसके अतिरिक्त दुनिया की शक्तियों ने हर देश पर एक श्रृंखला की हथियार सीमाएं लगाई, जिसका उद्देश्य एक और विश्व युद्ध को रोकना था। लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका विशेषकर समुद्री युद्ध पोतों की दृष्टि से जापानी नौसेना को लंदन और वॉशिंगटन की तुलना में अधिक प्रतिबंधित किया गया था, जो यह दावा कर रहे थे कि उनके बड़े साम्राज्यों की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिक जहाजों की आवश्यकता थी। अब तक जापान ने पहले से ही एक आधुनिक एशियाई साम्राज्य की स्थापना की उम्मीदों के साथ अपनी दिशा तय कर ली थी, जिसका केंद्र जापान था। अब जापानी समाज के योद्धा दल थके हुए यूरोपियों और अमेरिकियों के प्यासे थे, उनका हस्तक्षेप किए बिना, बाहरी हमले का जोखिम लिए बिना,
जब तक कि उन्हें सीधी चुनौती नहीं मिलती। 1920 के दशक के अंत में देश में महसूस की गई आर्थिक मंदी ने वादियों के विस्तार के लिए आवाज उठाई, जो विदेशी संसाधनों जैसे कि तेल और रणनीतिक धातुएं को हथियाने के लिए थी, जिनकी जापान में स्वदेशी आपूर्ति नहीं थी। इस नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए दो मुख्य विचारधाराएं थीं। पहला, उत्तरी योजना, मंचूरिया के माध्यम से चीन के आक्रमण और तेल से समृद्ध साइबेरिया को सोवियत संघ में जापानी सेना द्वारा कब्जा करने की योजना थी। इसे सेना ने पसंद किया था, मुख्यतः भूमि अभियान के रूप में। इससे उन्हें सरकार के महत्वपूर्ण संसाधन और धन की उम्मीद थी। उन्होंने साम्यवाद को जापान के एक प्रमुख खतरा माना और माना कि पश्चिमी दुनिया, जो साम्यवादियों के प्रति संदेही है, शायद उसे अनदेखा करे या जापान का समर्थन करे। काउंटर प्लान नानशिनरोन के नाम से पहचाना जाता है। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत द्वीप समूह को जापान के हित में माना, यदि ये साम्राज्य की सेवा करें। 1930 की शुरुआती दशक में जापानी नौसेना द्वारा पसंद किया गया। यह साम्राज्य निर्माण का दृष्टिकोण जापान को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के साथ संघर्ष में ले आने की संभावना से ज्यादा समस्याग्रस्त था, जो सभी इस क्षेत्र में अधिकार रखते थे। 1930 के दशक में दोनों नीतियों का पालन विभिन्न स्तरों पर हुआ, परंतु दक्षिणी योजना की पालना सेना ने उत्तरी योजना के मुकाबले अधिक सतर्कता से की। दक्षिण में प्रयास किए गए थे कि विभिन्न जापानी कंपनियों की स्थापना के साथ जापान के प्रभाव को शांतिपूर्वक बढ़ाया जाए, जिन्होंने प्रतीत होने वाले वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सुविधाएं बनाई, लेकिन भविष्य में स्पष्ट सैन्य क्षमता थी। दूसरी ओर, जापानी साम्राज्य ने 1899 की सिनो जापानी युद्ध के बाद ताइवान को सुरक्षित कर लिया और 1910 में दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप का विलय किया। वे उत्तरी योजना के पहले भाग को प्रोत्साहित करने की तैयारी में थे। दक्षिण पूर्वी चीन के मंचूरिया का अधिग्रहण, जो सेना और अर्थव्यवस्था को बल देगा और उन्हें सोवियत संघ के साथ अंतिम युद्ध के लिए स्थल देगा। हालांकि बिना किसी बहाने के आक्रमण करना संभव नहीं था, इसलिए जापान ने मंचूरिया में जापानी रेलवे लाइन पर हमले की योजना बनाई। मुकदेन घटना 18 सितंबर 1931 को जापानी द्वारा रेलवे लाइन पर फोड़ा गया छोटा बम चीनी आतंकवादियों पर आरोपित किया गया। बम इतना कमजोर था कि ट्रैक को तकलीफ नहीं हुई और ट्रेनें तत्काल प्रभाव में इसका उपयोग जारी रखी, लेकिन जापानी प्रतिक्रिया तेज थी और जल्द ही जापानी सैनिक मंचूरिया में इन आतंकवादियों से जापानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उतर रहे थे। विशाल संख्यात्मक लाभ होने पर भी मंचूरिया के चीनी सैनिक बाहर निकल गए और 6 महीने में क्षेत्र जापान के हाथ में आ गया। मंचुकुओं के कठपुतली राज्य बन गया। अंतर्राष्ट्रीय निंदा तेज थी, विशेषकर जब बमबारी के संबंध में धोखा संयुक्त राष्ट्र संघ की जांच द्वारा साबित हुआ। इससे जापान कुछ हद तक कूटनीतिक अपराधी बन गया, पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने टोक्यो के खिलाफ सिर्फ विरोध किया। मंचूरिया के हमले से पहले चीन नागरिक युद्ध में था, क्योंकि राष्ट्रवादी और साम्यवादी आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जापानी सैनिकों के चीन में प्रवेश के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी और टोक्यो की सेनाओं को निकालने पर केंद्रित हुए। रेलवे लाइन बमबारी के महीनों और फिर वर्षों के बाद भी लड़ाई जारी रही। शुरुआत में चीन ने सोवियत संघ से महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्राप्त की, लेकिन जल्द ही इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की सहायता शामिल हो गई, जो खुद को एक तटस्थ पक्ष घोषित करते हुए जापान को भी बड़ी मात्रा में रद्दी मेटल बेचा, जिसे फिर जापान ने युद्ध के उपकरणों में पुनर्चक्रित किया। चीन में लड़ाई के तीव्र होने पर यह स्पष्ट हुआ कि जापानी चीनियों से तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण बाजी, विशेषकर हवाई युद्ध में ऊपर थे। इस प्रकार चीनियों ने पूरी दुनिया में भूतपूर्व सैन्य पायलटों की तलाश की, ताकि वे चीनी पायलटों को उनके पास नए विमान प्रकार उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकें, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका विमान। रॉबर्ट मैकॉली शॉर्ट एक पायलट थे, जिन्होंने चीनियों को बोइंग 318 द्विपक्षीय लड़ाकू विमान दिखाया। जब उन्होंने जापानी निर्दयता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कार्रवाई की कमी का स्वयं आभास हुआ, तो 1932 के फरवरी में उन्होंने लड़ाई में खुद को शामिल करने का निर्णय लिया। उस दिन उन्होंने अपने उन्नत विमान से शंघाई के ऊपर होंशु वाहक से उड़ने वाले 3 जापानी नौसेना के विमानों पर हमला किया। हालांकि उड़ान के नेता को क्षति पहुंचाने के बावजूद 3 जापानी विमान अपने गणों के क्रोध से बचने में सफल हो गए
जब वे अपने वाहक की ओर वापस मुड़े। जमीन पर वापस लौटने के बाद चीन की स्थिति खतरनाक थी और 22 फरवरी को शॉर्ट के दस्ते को नानकिंग के एक हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तेजी से टाइप करते हुए चीनियों की तुलना में शॉर्ट ने हवाई अड्डे की ओर जल्दी निकलने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने 3 साम्राज्यवादी जापानी B-1M बम्बरों को देखा। शॉर्ट ने 3 विमानों की उच्च गति की पास, जिसने नेता के विमान को गोलियों से भरकर गिरने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसे लगा कि वह उन 1-1N लड़ाकू विमानों के बारे में अनजान है जिन्होंने बम्बरों की सुरक्षा की, उसके पीछे आए और उसके बोइंग 318 को घायल कर दिया। साक्षियों ने देखा कि बोइंग सुझाव शहर के दक्षिण पूर्व में लपटों में नीचे आते हुए दुर्घटना हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जापानी पायलटों ने दुर्घटना स्थल पर उड़ान भरी और कम से कम एक ने मरे हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को सलामी दी। शॉर्ट एक निजी व्यक्ति के रूप में काम कर रहे थे, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की सेना से। फिर भी उन्हें पहले संयुक्त राज्य अमेरिका पायलट माना जा सकता है जिन्होंने एक जापानी विमान को मार गिराया और बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच हवाई युद्ध की पहली हत्या बने। 1933 की 22 मई को जापानी और चीनी राजदूतों ने युद्ध विराम का समझौता किया और मंचूरिया और उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों को टोक्यो को सौंप दिया, साम्राज्य के लिए एक बड़ा इनाम। पर इसने जापान को निष्क्रिय संघ देशों से वापस ले लिया जिन्होंने उनकी निंदा की लेकिन कुछ और कार्यवाही नहीं की, जबकि चीनी कैदियों और नागरिकों के खिलाफ जापानी निर्दयता की कहानियां दुनिया भर में संचारित की जा रही थीं। उसके बाद के वर्षों में चीनी सीमा के पास छिटपुट लड़ाई हुई, ज्यादातर जापानी पक्ष विरोधी बलों द्वारा संचालित, खासकर चीनी कम्युनिस्टों द्वारा। लेकिन फिर 1937 की 7 जुलाई की रात को चीनी और जापानी सेनाओं ने चीन की ओर मार्को पोलो पुल के पास आग का आदान प्रदान किया। लड़ाई का ठीक कारण विवादित है, लेकिन संभावना है कि दोनों पक्षों की सेनाओं में उच्च तनाव के साथ मिश्रित भ्रम के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। लड़ाई जल्द ही पूर्ण युद्ध में बदल गई और इसके प्रभाव से जापान द्वारा बुलाई गई चीनी सेनाएं ने अपने पूर्व मालिकों पर हमला करके जापानी सैनिकों और नागरिकों की हत्या करना और उनकी संपत्ति को जलाना शुरू कर दिया। जापानी नागरिकों के खिलाफ हिंसा से क्रोधित होकर जापानी सेनाओं को जल्दी ही मुख्य द्वीपों से चीनी विद्रोहियों को दबाने के लिए तैनात कर दिया गया और दूसरी सिनो जापानी युद्ध शुरू हो गई। उसके बाद जो लड़ाई हुई वह अपनी बर्बरता में लगभग मध्ययुगीन थी। जापानियों ने सब कुछ छोड़ दिया, नागरिकों का भी ध्यान नहीं रखा। जापानियों द्वारा शहर, गांव के कब्जे, हत्या और बलात्कार के बाद उन्होंने चीनी राजधानी नानकिंग पर अत्याचार किया। उस शहर के निवासियों पर जो आतंक पहुंचाया गया, जिसकी संख्या पहले से कब्जे किए गए क्षेत्रों से शरणार्थियों के बाढ़ आने से बढ़ गई थी, वर्णन से परे है। शिशुओं से वृद्धों तक किसी ने बचा नहीं, क्योंकि जापानी कमांडरों ने अपने लोगों का नियंत्रण खो दिया। उनकी पुस्तक नानकिंग का बलात्कार में इतिहासकार आयरिस चांग ने कहा, यदि एक घटना को अनियंत्रित सैन्य साहसिकता की सतह के नीचे छिपी हुई अपरिहार्य बुराई का उदाहरण के रूप में उठाया जा सकता है तो वह क्षण नानकिंग का बलात्कार है। एक 1920 और 30 के दशक में पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपने हितों का संचालन करते हुए गृहयुद्ध के बढ़ते प्रकोप और जापान के मंचूरिया पर आक्रमण की वजह से देश की बिगड़ती स्थिति को चिंताजनक रूप से देखा। जबकि वे अधिकतर लड़ाई में तटस्थ रहे, पर उन्हें अपने हितों की सुरक्षा के लिए कुछ सेनाओं का तैनाती करना जरूरी था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन सेनाओं ने शत्रु सेनाओं के साथ कई झड़पें लड़ीं जिन्हें डकैत कहा गया, लेकिन अधिकतर समय वे चीनी कम्युनिस्ट बलों के सदस्य थे जो उनकी साम्राज्यवादी उपस्थिति के विरुद्ध थे, न कि अवैध। महत्वपूर्ण यांगट्ज़ी नदी मार्गों पर रॉयल नेवी और संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी दोनों ने एक नदी तोपखाने की सेना का संचालन किया, जिसका मुख्य कार्य अपने संबंधित देशों के नौवहन की सुरक्षा करना था जो 3,900 मील के जल क्षेत्र को पार करते थे। यह एक खतरनाक काम था। विभिन्न दलों के स्नाइपर अक्सर नदी के किनारे छिपे रहते थे, उम्मीद करते थे कि वे डेक पर अनजान कर्मियों को चुन लेंगे। इस खतरनाक काम में लगे संयुक्त राज्य अमेरिका एशियाई नौसेना के एक सदस्य थे, USS पेन्नी, जिसमें 50 नौ अधिकारी और पुरुष सवार थे। 1927 में चीन में निर्मित
यह जहाज 1930 के दशक में यांगट्ज़ी के साथ एस्कॉर्ट मिशन में भारी रूप से लगा हुआ था, जब जहाज पर गोलियां चलाना एक दैनिक घटना बन गई थी। लेफ्टिनेंट कमांडर आर ए डायर जहाज के कप्तानों में से एक ने कहा कि चीनी निशानेबाजी खराब है और जहाज ने अब तक इन मुठभेड़ों में कोई हताहत नहीं सहा है। 1937 में चीन पर जापानी हमले ने स्थिति को बहुत बदल दिया और चिंता थी कि घूमते जापानी युद्ध विमान युद्धपोत को चीनी जहाज समझकर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार पेन्नी ने बड़े संयुक्त राज्य अमेरिका ध्वजों को जहाज पर लटकाकर यात्रा शुरू की। 1937 के दिसंबर में जब जापानी नाशकारी चीनी राजधानी नानकिंग के निकट पहुंचे, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन तोप वाले नाव पेन्नी सहित अपने दूतावासों को खाली करने के लिए एक ऑपरेशन में तैनात हुए। पेन्नी, जिसमें कई संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास कर्मचारी और नागरिक सवार थे, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापारी जहाजों के साथ मिलकर और 12 दिसंबर को, जब लड़ाई तेज हुई, क्रॉसफायर में फंसने से बचने की कोशिश में नदी की ऊपरी ओर बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्राधिकरणों ने जापानी विमानों की मौजूदगी का सूचना दिया, फिर भी उन्हें यांगट्ज़ी पर सभी नौकायन पर हमला करने के आदेश दिए गए। लगभग 1327 घंटे में पेन्नी और साथी व्यापारी जहाजों पर जापानी नौसेना के विमानों ने हमला किया। 2 130 पाउंड के बम जापानी लड़ाकुओं द्वारा मशीन गन की आग और बार बार गोलीबारी से पीड़ित संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धपोत पर गिरे। 1554 घंटों में पेन्नी डूब गई, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक व्यापारी जहाज का कप्तान भी शामिल था। कई लोग घायल हुए, जिन्हें ब्रिटेन गनबोट्स हर माइकल स्ट्राइक लेडीबर्ड, हर माइकल स्ट्राइक बी और संयुक्त राज्य अमेरिका गनबोट संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका इस ओहू ने बचाया। यह घटना लगभग ठीक 4 साल पहले हुई थी, जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका मिशनरियों ने भयानक घटनाओं जैसे पुरुषों की हत्या और महिलाओं और युवा लड़कियों के सामूहिक बलात्कार के रिकॉर्ड किए। नानकिंग के बलात्कार में कितने लोग मारे गए थे, यह अभी भी चीनी और जापानी प्राधिकरणों के बीच विवाद का विषय है, जिसमें संख्याएं लगभग 30,000 से लेकर लगभग 500,000 तक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार और संपत्ति को जापानी लूट एवं आगजनी से बचाने की कोशिश नहीं हुई, परंतु पेन्नी घटना के उपरांत जापानी कमांडर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकारियों से सौदा करने हेतु अपने पुरुषों को वापस बुलाया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास के कंसल जॉन मूर एलिसन को एक जापानी सैनिक ने मारा, जापानी माफी मांगने लगे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकाई दृष्टिकोण से यह संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ था और यह भावना बढ़ा रहा कि यदि चुनौती नहीं दी तो जापान अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिकाओं के लिए खतरा बन सकता है। नानकिंग नरसंहार और विदेशी नागरिकों, जहाजों और इमारतों पर हमलों के बाद ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में विशेष रूप से सार्वजनिक राय आम उदासीनता से दूसरे सिनो जापानी युद्ध के संबंध में अधिकांशतः जापान विरोधी स्थिति की ओर झूल गई। ऑस्ट्रेलियाई डॉक कर्मियों ने चीन के युद्ध सामग्री वाले जापानी जहाजों को लॉर्ड करने से इनकार किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी समुदायों ने युद्ध के लिए धन संग्रहित किया और अपने लोगों की कठिनाई जनता के सामने लाई। फिर भी टोक्यो के किसी भी प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं हुआ, जो सम्राट के अतिरिक्त किसी की आधिकारिकता को मान्य नहीं मानते थे। इसके अलावा वे पहले से ही हथियार सीमा संधियों की अतिरिक्त युद्धपोत निर्माण कर रहे थे, जिससे ब्रिटेन और नीदरलैंड साम्राज्यों को बहुत चिंता हो रही थी, जो उस समय यूरोप में नाजी जर्मनी से उभरते खतरे से परेशान थे। संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थता की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनियां अभी भी चीन और जापान के बीच युद्ध से मुनाफा कमा सकती थीं, दोनों पक्षों को हथियार और सामग्री बेचकर, हालांकि इसके राजनेता और जनता ने जापानी क्रूरता की निंदा की थी। 19 अप्रैल 1939 को संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थशास्त्री और विदेश नीति अनुसंधानकर्ता मैक्सवेल एस स्टीवर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की तटस्थता एक पूर्ण तमाशा थी, क्योंकि यह मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका था जो जापानी युद्ध यंत्र को संचालित कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका स्टील से निर्मित जापानी बॉम्बर्स और संयुक्त राज्य अमेरिका तेल निर्यात से शक्ति प्राप्त करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों को जल्द ही युद्ध में अपनी दोषिता को स्वीकार करना पड़ रहा था, जबकि अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय मूल के हैं और यूरोप की घटनाओं में रुचि रखते हैं।
फिर भी कांग्रेस में जापान के विरोध में आवाजें लगातार उठती रहीं। जापान के लिए अब उसकी सेना अंततः सोवियत संघ के साथ युद्ध में लगी हुई थी। मंचुकुओं के निर्माण के बाद सोवियत और जापानी सेनाओं ने अनघोषित सीमा युद्ध में झड़पें झेलीं, जो 11 मई को पूर्ण युद्ध में बदल गईं। जापान में नोमोनहान संघर्ष की अवधि 16 सितंबर 1939 तक चली, जिसके दौरान जापानी छठी सेना का नाश हो गया और कम से कम 8,000 पुरुषों की हानि हुई। सोवियत सेना ने युद्ध में अधिक पुरुषों की हानि की थी, पर उसने अपनी सीमा की अखंडता बनाए रखने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इस पराजय का प्रभाव टोक्यो की विदेश नीति के संबंध में दूर तक था। यह प्रभावी रूप से उत्तरी योजना के लिए मृत्यु की घंटी का संकेत देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जबकि उनके सैनिक सोवियत सैनिकों से श्रेष्ठ थे, सोवियत संघ उनके खिलाफ उम्मीद से अधिक सैनिक लड़ा सकता था। इससे विदेश नीति का पुनर्विचार हो सकेगा और अंततः जापान 1921 की शुरुआत में सोवियत संघ के साथ तटस्थता संधि पर सहमत होगा, भविष्य की दुश्मनी को रोकने के लिए। इससे जापानी सेना को चीन में युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। तथापि नौसेना ने दक्षिणी योजना को जब जरूरत पड़ी बलपूर्वक लागू करने की तैयारी की। 1929 के सितंबर में नाजी जर्मनी के साथ युद्ध ने यूरोप को आग का शिकार बना दिया। 1940 के जून तक फ्रांस और नीदरलैंड गिर गए और उनकी सेनाएं अधिकांशतः हार गईं। इससे उनका जापानी विस्तार प्रशांत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सक्षम हुआ और किसी को इसके खिलाफ कम ही कार्यवाही करने का अवसर मिला। 1940 के 22 सितंबर को जर्मनी द्वारा फ्रांस पर नियंत्रण और टोक्यो जर्मनी के बीच औपचारिक गठजोड़ के बीच जापानी सेनाओं ने वर्तमान वियतनाम के रूप में झात फ्रेंच फ्रांसीसी इंडोचीना के उत्तर पर हमला किया। उनका प्रमुख उद्देश्य चीनी के लिए हैफोंग बंदरगाह के माध्यम से आपूर्ति को काटना था और इसलिए उन्होंने देश के उत्तर में अपनी सेनाओं को बनाए रखा। 24 सितंबर को क्षेत्र को सुरक्षित करने के बाद अगले दिन जापान ने जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एक्सिस पावर्स का गठन किया। इन घटनाओं ने लंदन और वॉशिंगटन के भविष्य के प्रति संकेत दिए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एडमिरल हस्बैंड ई को कार्रवाई की उम्मीद में आदेश दिए। प्रशांत महासागर की नौसेना के कमांडर किमेल को सैन डिएगो से पर्ल हार्बर हवाई ओहू में अपनी नौसेना के मुख्य आधार स्थानांतरित करने के आदेश दिए, जो जापानी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका हितों की सुरक्षा करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अब अपने तटस्थता से जूझ रहा था, जिसमें नाथसी जर्मनी के विरोध में सहानुभूति थी, और अब यह विरोध नई संधि के द्वारा जापान पर लागू किया जा रहा था। सभी संबंधित पक्षों के बीच कूटनीतिक केबल भेजे जाने लगे टोक्यो से आश्वासन की तलाश में कि जापान क्षेत्र में सहयोगी हितों को खतरा नहीं देगा। लेकिन आने वाले महीनों में परिस्थिति केवल खराब होने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनुभव किया कि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनियों के द्वारा जापान पर विमान भागों और स्क्रैप मेटल जैसे सामग्री की निर्यात में तंगी लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो हर बार अधिक होती जा रही थी। लेकिन जबकि यह जापानी युद्ध मशीन पर क्षति कर रहा था, उन्होंने इसे नहीं रोका और 1941 के जून में जापानी सेना ने फ्रांसीसी इंडोचीना के दक्षिणी क्षेत्र पर हमला किया। 1941 के जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने टोक्यो को नीदरलैंड्स ईस्ट इंडीज की ओर तेल की तलाश में मजबूर कर दिया, जो वह अब नहीं मिल रहा था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी का अनुमान लगाते हुए रूजवेल्ट ने चेतावनी दी कि यदि जापान और हमले करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका विरोधी कदम उठाएगा। उसने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर महाद्वीपीय एशिया से वापसी के लिए दबाव डाला, लेकिन यह जापानी सेना के लिए अस्वीकार्य था। जैसा कि समाधान की उम्मीद में दूतों द्वारा प्रशांत महासागर की विशालता में प्रस्ताव और प्रतिप्रस्ताव साझा किए जा रहे थे, जापानी सेना जो उम्मीद कर रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थिति केवल टूटती जाएगी, पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध करने के लिए संभावित विकल्पों का अन्वेषण कर रही थी। 1884 में 4 अप्रैल को जन्मे ईसोरोकू यामामोतो 20 वर्ष की उम्र में साम्राज्यवादी जापानी नौसेना अकादमी के स्नातक बनते हैं और प्रारंभिक रूप से नौसेना तोपखाने में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जो टोरपीडो और पनडुब्बी जैसे नए हथियारों के परिचय के बावजूद नौसेना युद्ध में प्रमुख कारक था। सुशिमा में सेवा करते समय उत्कृष्टता से जहां उन्हें घायल किया गया, वे जल्दी पदों में चढ़े
और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के प्रमुख विदेशी तैनातियों के लिए चिह्नित किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन और वॉशिंगटन में जापानी दूतावास में सेवा करते हुए उनके जापानी और संयुक्त राज्य अमेरिका परिचित अक्सर उनकी जुआ खेलने की आदत का उल्लेख करते थे और उन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों से अनेक आकस्मिक खेलों में एक शार्क माना जाता था। अपने कुछ हद तक सांप्रदायिक करियर के बावजूद 1920 के दशक की शुरुआत में वह वही कुछ अल्प सैन्य नेता थे जिन्होंने युद्ध के एक उपकरण के रूप में सैन्य विमान की संभावनाओं को सचमुच समझा। 1910 में जापानी नौसेना के पास पहला विमान आया था और 1922 में उन्होंने अपना पहला विमानवाहक पोत होशो कमीशन किया। फिर भी दुनिया भर की अन्य नौसेनाओं की तरह नौसेना विमानन को केवल युद्ध पोतों के समर्थन का हथियार माना जाता था। नौसेना वायु शक्ति में अधिक नवाचार और निवेश के लिए उत्साही 1924 में उन्होंने अपना ध्यान इस नई शाखा की ओर बदल दिया। सबसे पहले विमानन विभाग के प्रमुख के रूप में सेवा करते हुए और फिर एक्विन कैरियर डिवीजन की कमान संभालते हुए सैंपल मिशन के तहत ब्रिटेन पायलट और इंजीनियरों का समूह जापान के कैरियर जहाज दल के विकास में सहयोग कर रहा था। यह ब्रिटेन मिशन जापान के साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था जिसका इरादा विश्व युद्ध आय के दौरान एक प्रशांत कैरियर जहाज दल बनाना था जिसे माना जाता था कि वह रॉयल या संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के समान नहीं हो सकता। स्कॉटिश पीर लॉर्ड विलियम फोर्ब्स सैंपल की देखरेख में ब्रिटेन सहायता में युद्ध विमानों का पैमाना शामिल था जो आगे चलकर जापानी निर्माताओं को प्रेरित करेगा, जापान के नौसेना विमान उद्योग की शुरुआत करेगा। यह आधिकारिक सहायता केवल 18 महीनों के लिए थी, हालांकि उस लघु समय में कई तकनीकी जानकारी पहले ही जापान को सौंप दी गई थी। फिर भी मिशन के समाप्त होने के बावजूद लॉर्ड सैंपल ने ब्रिटेन सीक्रेट्स एक्ट के विपरीत ब्रिटेन सैन्य विकासों की जानकारी जापान को देते रहे। उनकी गतिविधियों का पता चला, लेकिन उनके राजनीतिक संबंधों ने उन्हें मुकदमे से बचने में मदद की और 1930 के दशक में वह जापानी हितों के पक्ष में कार्य करते रहे। एडमिरल यामामोटो ने समझा कि 1930 के दशक में कैरियर शक्ति अकेले काफी नहीं होगी उनके सपने की मजबूत नौसेना बनाने के लिए, तो उन्होंने नए और शक्तिशाली कैरियर विमानों के विकास होने तक द्विंजन वाले भूमि आधारित टॉर्पीडो बॉम्बरों की एक बड़ी नौसेना को समर्थन करने के लिए आदेश दिए। 1940 तक सैंपल के उन्हें आवश्यक तकनीकी बढ़ोतरी देने और यामामोटो जैसे लोगों ने धार्मिक आधारभूत संरचना प्रदान करने के कारण जापान ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना विमानन बल का निर्माण कर लिया था जिसमें 6 बड़े नौसेना कैरियर, 3 छोटे माध्यमिक कैरियर और एक प्रशिक्षण कैरियर शामिल थे। विशाल भूमि बॉम्बर बलों के समर्थन से जापान अब अपने वृद्धिशील पूर्व सहयोगियों को चुनौती दे सकता था, लेकिन यामामोटो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं थे, खासकर जब जापान अभी भी चीन से युद्धरत था। यामामोटो के पास संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का गहरा ज्ञान था जो उन्हें खिलाफ युद्ध योजना बनाने के लिए सही व्यक्ति बनाता था, लेकिन यह उन्हें जोखिम के बारे में भी जानकारी देता था। अपने देश को संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका से तुलना करते समय उन्हें यह ज्ञात था कि अमेरिकियों को स्वयं के एवं सामग्री के संसाधनों में विशेषता थी। अमेरिकियों के यूरोपीय घटनाओं, हिटलर के जर्मनी के प्रति प्यार और संयुक्त राज्य अमेरिका फ्लीट तैनातियों के अटलांटिक संचालनों के प्रारंभिक बढ़ोतरी के लाभ को कम करेगा, पर जैसे ही जापान के साथ युद्ध शुरू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक नौसेना को फिर से उनके खिलाफ तैनात किया जाएगा। फिर वहां संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का शक्तिशाली औद्योगिक संगठन होगा जो विशाल होने के साथ साथ जापान की तरह सामरिक सामग्री के आयात पर इतना भारी नहीं करता था और इसलिए पनडुब्बियों और विमानों के साथ विघ्नित करना अधिक कठिन होगा। उन्होंने तर्क किया कि लड़ाई के तुरंत बाद जापान के पास केवल 6 महीने होंगे जिनमें वह संयुक्त राज्य अमेरिकाओं को प्रशांत महासागर से इतना बाहर कर सकते हैं कि वे वार्ता की मेज पर मजबूर हों। वहां उन्हें प्रशांत महासागर का नियंत्रण टोक्यो को सौंपने पर मजबूर किया जा सकता था जिससे जापान को अपनी साम्राज्य निर्माण के लिए मुक्त हाथ मिलता, सहसमृद्धि स्फीर कहा जाता है, और एशिया की प्रमुख साम्राज्य बनता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जापान 6 से 12 महीनों में विजयी नहीं हुआ तो वे युद्ध हार जाएंगे क्योंकि इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा और जापान संयुक्त राज्य
अमेरिका युद्ध उत्पादन से मिलान नहीं कर सकेगा। उनकी काफी निराशावादी राय का सामरिक रूप से प्रभावशाली जापानी सेना द्वारा विरोध किया गया था, जो अपने देश की श्रेष्ठता और लड़ाई की भावना की ओर आश्वस्त थे। जनरल एशिया को अब पश्चिमी साम्राज्यों से युद्ध के लिए दबाव बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें यह ज्ञान था कि पहला हमला निर्णायक होना चाहिए, जापान को समुद्री विस्तार का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिना अधिक उत्तेजना के और ज्यादा से ज्यादा समय तक। जापानी नौसेना ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिकाओं के साथ युद्ध की योजना बनाई थी, जिसमें अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिकाओं के फिलीपींस क्षेत्र पर विस्तृत हमले का संबंध था। फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका जापानी समुद्री मार्गों को खतरे में डालने और विस्तारित साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक मुख्य आधार थे। किसी भी संघर्ष का एक मुख्य घटक यह होगा कि वहां पहले से ही स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका बलों को त्वरित रूप से पराजित किया जाए, जिससे जापानी द्वीप श्रृंखला को मजबूत कर सकें और इसे एक उछाल के रूप में उपयोग कर सकें, जब यह पर्ल हार्बर में अपने मुख्य आधार से मोबाइलाइज हो गया होता। यामामोटो के अनुसार जापान की पराजय अनिवार्य थी, क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना, खासकर उनके शक्तिशाली युद्धपोत और विमान वाहकों का सामना नहीं किया। इनका खतरा सिर्फ फिलीपींस अभियान के समय ही नहीं, बल्कि यह जापान को एक नौसेना अभियान चलाने के लिए बाध्य करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध की तैयारी के लिए समय मिलेगा। विकल्पों की खोज में उन्होंने पर्ल हार्बर पर प्रारंभिक हमले के विचार पर सोचना शुरू कर दिया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना की मुख्य बल को तेज झटके में बाहर कर दिया जाएगा। वे अपने विकल्पों पर सोच रहे थे, जब उन्हें जर्मनी और रोम के जापानी नौसेना अधिकारियों की रिपोर्ट्स से पता चला कि 11 नवंबर 1940 की रात ब्रिटेन और इटली बलों के बीच युद्ध हुआ था। ब्रिटेन रॉयल नेवी ने पुराने फेरी स्वॉर्डफिश विमानों का उपयोग कर वाहक एचएमएस इलस्ट्रियस से इटली सतह नौसेना पर तारंतो हार्बर में हवाई हमला किया था। इटली लोग मानते थे कि हार्बर की उथली सतह हवाई टॉर्पीडो को कार्य करने से रोकती है और किसी भी हवाई हमले को महत्वपूर्ण क्षति से पहले ही स्पॉट कर लिया जाएगा, और फिर भी रात में दोनों विश्वास टूट गए। हालांकि हवाई हमले से इटली नौसेना नष्ट नहीं हुई, लेकिन इसको इतना नुकसान हुआ कि यह मेडिटेरेनियन में कई महीनों तक लड़ाई से बाहर रही। यह वही था जिसे यामामोटो संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना से प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। अतः उच्च समुद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत नौसेना से सामना करने के बजाय उन्होंने पर्ल हार्बर में अभी तक बंधे हुए उनके खिलाफ पूर्वाग्रही हमले के लिए दबाव दिया। उन्होंने तारंतो में ब्रिटेन हमले से अधिक बड़े हमले की कल्पना की, जहां जापानी नौसेना के 6 बड़े वाहक और नवीनतम योद्धा विमान पहले बंदरगाह की सुरक्षा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों को और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धपोत और वाहकों को नष्ट करने में साझा कर रहे थे। जापान के जनरल पहले योजना से अविश्वस्त थे। उन्हें चाहिए था कि वाहक म्यांमार, मनीला और फिलीपींस में समर्थन करें। उन्हें भय था कि अगर जापान के 60% वाहक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खोजे जाते हैं और पर्ल हार्बर पर हमले से पहले या बाद में नष्ट कर दिए जाते हैं, तो वे तुरंत युद्ध हार जाएंगे। यामामोटो ने कहा कि अगर जापान पहले पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना को नष्ट नहीं करता, तो हार सुनिश्चित थी, चाहे वैकल्पिक युद्ध योजना हो। अंत में यामामोटो ने बहस जीत ली और पर्ल हार्बर पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि यामामोटो की महत्वाकांक्षा के रास्ते में कई बाधाएं थीं। पर्ल हार्बर तारंतो के हार्बर की तरह उथले पानी के खंड में स्थित था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धपोतों के खिलाफ टॉर्पीडो वाहक विमानों के प्रयासों में बाधाएं डाली। एक विमान से पानी में टॉर्पीडो ड्रॉप करने पर यह 100 फीट से अधिक गहराई में डाइव करेगा और फिर ऊपर खींचकर समतल हो जाएगा। पर्ल हार्बर में इसका मतलब था कि टॉर्पीडो के लगभग सभी हार्बर की तलहटी में दफन हो जाएंगे, जो कुछ स्थानों पर सिर्फ 100 फीट गहरी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका इतने आत्मविश्वासी थे कि वायु श्रेष्ठ टॉर्पीडो पर्ल के जहाजों के लिए कोई खतरा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने युद्धपोतों के लिए टॉर्पीडो नेट्स नहीं लगाए। तारंतो में ब्रिटेन ने इस समस्या को हल किया अपने पुराने द्विपक्षीय विमानों को बहुत कम और धीमे उड़ाकर, जिससे टॉर्पीडो की छोड़ने के बाद गहराई कम हो गई। लेकिन जापानी के पास अधिक उन्नत एक पक्षीय टॉर्पीडो बम्बर का विकल्प नहीं था। अंत में
जापानी इंजीनियरों ने टॉर्पीडो की नाक और पूंछ के साथ जोड़े गए लकड़ी के फिक्स्चर के आकार में एक चतुराई वाला समाधान निकाला जो पानी को मारने के बाद उनकी डाइव की गहराई को कम कर देगा। यामामोटो की योजना की सबसे बड़ी बाधा पार की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना को जापानी खतरों की जानकारी नहीं थी। 1941 के अप्रैल में साम्राज्यवादी जापानी नौसेना के पायलटों ने संयुक्त राज्य अमेरिका जहाजों पर मॉक अटैक का अभ्यास आरंभ किया। इन पायलटों ने जितना अभ्यास किया उतना ही अनुभव मिला जिसे वे अपनी योजना में शामिल कर सकते थे। जापानी एडमिरलों ने पर्ल हार्बर का एक बड़ा मॉडल बनवाया जिससे वे हमले की योजना का हर विवरण तय कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें खुफिया जानकारी की जरूरत थी। योशिकावा, एक युवा जापानी नौसेना अधिकारी, ओहू पर संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना पर जासूसी करने के लिए भेजा गया था। साधारण पर्यटक की तरह पहुंचने पर योशिकावा ने नौसेना और उसके आसपास के हवाई अड्डों की सुरक्षा पर अद्भुत मात्रा में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे। द्वीप पर उच्च जापानी संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या के चलते उन्हें कम ध्यान मिला। वे अक्सर एक बंदरगाह चाय घर में बैठते थे, गतिविधियों को देखते और अपने विश्वकोशीय ज्ञान का उपयोग करते ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका जहाजों की दैनिक जीवन की जटिल छवि बना सकें। उनकी प्रमुख कार्यवाही यह थी कि वे पर्यटक के बहाने विमान किराए पर लेकर बंदरगाह की हवाई फोटोग्राफी करते थे। फिर इस विस्तृत जानकारी को टोक्यो को भेजा गया जहां इसे अंतिम योजनाओं में शामिल किया गया। योजना के अंतिम चरण में हमले में सहायता के लिए दो छोटी पनडुब्बियों का उपयोग किया जाएगा। बौना पनडुब्बियां बंदरगाह में घुसेंगी और अपने टॉर्पीडोज को संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका युद्ध पोतों पर चलाएंगी, जबकि व्यस्त कर्मी हवाई हमले के खिलाफ बचाव में होंगे। अंतिम योजना के अनुसार 6 वाहक ओआहू के उत्तर में चुपके से जाएंगे और अपने विमानों को प्रारंभिक घंटों में उड़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आधार भर में मिलेंगे। दो लहरों में विमान उड़ाने की योजना प्रत्येक को अपने निर्धारित लक्ष्य मारने, हथियार बंद करने और ईंधन भरने के बाद वापस लौटने का कार्य है। तीसरी लहर बाकी जहाजों और सुविधाओं को सफाई के लिए उड़ाने के बाद पर्ल हार्बर पूरी तरह अयोग्य हो जाएगा। फिर भी कुछ जापानी नेताओं ने हवाई और फिलीपींस पर समानांतर रूप से हमला करने की योजना बनाई, मानते हुए कि दोनों को एक साथ जीता जा सकता है, लेकिन योजना का यह भाग अंततः निरस्त कर दिया गया। नवंबर के शुरुआती दिनों में भी दोनों पक्षों की आशा थी कि युद्ध को अंतिम समय पर टाला जा सकता है। 20 नवंबर को जापानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन साम्राज्य के साथ युद्ध को रोकने के लिए जो उनका अंतिम प्रस्ताव था वह प्रस्तावित किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका उनके कठिनाइयों को दूर करे और 1 मिलियन गैलन एविएशन ईंधन दे तो वे फ्रांसीसी इंडोचीन से वापस हो जाएंगे और दक्षिण पूर्वी चीन में विस्तार रोक देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिकाओं ने यह प्रस्ताव अस्वीकार्य माना और एक प्रतिक्रिया मांग जारी की कि जापान को मुख्य भूमि चीन से एकतरफा वापस होना होगा। ये टोक्यो के लिए सोचने की बात थी जो अब जानते थे कि युद्ध आ रहा है। इसी बीच यामामोटो पहले से ही अपने विमानवाहक, युद्धपोत, क्रूजर, नष्टकर्ता और पनडुब्बियों की संयुक्त नौसेना का संगठन कर रहे थे। इसमें 2 भारी क्रूजर, 1 हल्का क्रूजर, 2 युद्धपोत, 9 नष्टकर्ता, 8 टैंकर, 23 फ्लीट पनडुब्बी और 5 बोना पनडुब्बी शामिल थीं। इस नौसेना का मुख्य घटक स्वाभाविक रूप से एडमिरल नागुमो की कमान में 6 फ्लीट वाहक और उनके विमान थे। मिलकर इन 6 जहाजों ने 400 से अधिक विमानों की सेना को उत्क्षेपित किया। यामामोतो ने नागातो युद्धपोत की निगरानी करते हुए 226 नवंबर 1921 को इतिहास की सबसे शक्तिशाली वाहक बल को समुद्र में जाने का आदेश दिया। जबकि कूटनीतिक स्थिति असुलझनीय लग रही थी, लेकिन उत्साही जुआड़ी जानता था कि यह उसकी पहली पासा फेंक सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से सबसे समस्याग्रस्त होगी। उनकी योजना आश्चर्य पर निर्भर करती थी, परंतु टोक्यो और वॉशिंगटन के बीच तनाव को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका बड़ी संख्या में लापता जहाजों का पता लगाएगा और खोज शुरू करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका अपनी नौसेना और विमानों को उन्हें हवाई तक जाने और वहां क्या हो रहा है यह समझने के लिए तैनात कर सकता है। उनकी नौसेना को 12,000 मील यात्रा करने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे बिना किसी देरी के, जो एक गुजरते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका विमान या जहाज को उन्हें देखने का समय देता है।
प्रशांत महासागर की विशालता उन्हें कुछ सुरक्षा तो देती थी, लेकिन फिर भी यामामोटो कोई जोखिम नहीं उठा रहे थे। नौसेना को पूरी तरह रेडियो मौन अवस्था में चलाते हुए, केवल जापान से कोडेड प्रसारण प्राप्त करते हुए, डरते हुए कि नौसेना से कोई प्रेषण अवरोधित हो सकता है, मुख्य नौसेना के आगे जापानी पनडुब्बियां महासागरों में संयुक्त राज्य अमेरिका जहाजों की तलाश कर रही थीं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका पक्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका खुफिया नेटवर्क को फिलीपींस के प्रति एशिया के जापानी इकाइयों और आधिकारिक स्रोतों के बीच संचार बंद कर रहे थे। हालांकि उनके इरादे अक्सर अस्पष्ट थे। दूर पूर्व के निरीक्षकों ने देखा था कि जापानी युद्धपोत दिसंबर की शुरुआत में समुद्र में तैनात हुए थे, जैसे कि जापान अपने एशियाई और प्रशांत ब्लिट्ज़क्रिग की तैयारी कर रहा था। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस पर होने वाले जापानी हमले की सही तरह से पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने पर्ल हार्बर पर हमले के योजना के भाग को पूरी तरह से छूट जाने दिया। यामामोटो की नौसेना के रवाना होने से 24 घंटे पहले प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका बलों को युद्ध चेतावनियां जारी की गई थीं, लेकिन एडमिरल और जनरल को सही उपाय क्या हो सकते थे यह स्पष्ट नहीं था। युद्ध चेतावनियां बार बार जारी की गई, जिससे चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन एडमिरल विलियम हेल्सी ने इसे अनदेखा किया। उनका मानना था कि लोग इन चेतावनियों के प्रभाव से बेहोश हो गए और आराम करने लगे। फिलीपींस को जापानी का प्रमुख लक्ष्य मानने के बावजूद एडमिरल किम्मेल ने जो उपाय कर सकते थे वह बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किए, लेकिन इसे इस तथ्य ने और भी कठिन बना दिया कि उनकी दीर्घ दूरी समुद्री निगरानी विमानों की बल बार बार कम की गई थी जब वे अटलांटिक में स्थानांतरित किए गए थे। इसलिए उनके पास ओहाहू के चारों ओर समुद्र की निगरानी के लिए विमान नहीं थे, और इसलिए उन्होंने अपने खोज प्रयासों को मोती और उस क्षेत्र में केंद्रित किया जहां उनके युद्धपोत प्रशिक्षण करते थे। उनकी युद्ध शुरू होने पर जापानी पनडुब्बियों के हमलों की उम्मीद थी, जो स्वतः यामामोटो की प्रयासों की सहायता करती थी, जिन्होंने द्वीप को नजरअंदाज करने का प्रयास किया था। इसके बाद अंतर्देशीय भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के लेफ्टिनेंट जनरल वॉल्टर सी शॉर्ट ने वॉशिंगटन से मिलने वाली चेतावनियों को जापानी सेना के हमले की बजाय स्थानीय जापानी आप्रवासियों के सबोताज की गतिविधियों के बारे में समझा। इसलिए उन्होंने अपने हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई, जिसमें विमानों को एक साथ और निकटता से रखना शामिल था ताकि उन्हें सुरक्षित करना आसान हो। इन आदेशों का उत्तर कई सैनिकों ने अविश्वसनीय प्रतिक्रिया के साथ दिया, जो शॉर्ट के संदर्भित जापानी आप्रवासियों को जानते थे, और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सबोताज या समर्थन करेंगे। सेना और नौसेना की युद्ध चेतावनियों के प्रति असंगत प्रतिक्रियाओं ने ओहाहू की हमले से बचाव में एक मुद्दा उजागर किया, जिसमें था कि वहां संयुक्त राज्य अमेरिका बलों की संपूर्ण कमान के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। इसके साथ ही जो मोहर लगाई गई चेतावनियों के प्रति लिया जा रहा था, उनकी स्पष्टता की कमी और यह सामान्य विश्वास कि लड़ाई फिलीपींस में शुरू होगी, इसका मतलब था कि पर्ल हार्बर पर सीधा हमला किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, और इस प्रकार एक आकस्मिक हमले को कम करने के लिए उपयोगी उपायों को उपेक्षित कर दिया गया था। अमेरिकियों ने यामामोटो के विमान के हमले के लिए दरवाजा खोल दिया। 1941 के दिसंबर की 2 तारीख को हिरोशिमा बे में नागातो में बंधे यामामोटो ने हमले के बल को एक संचार भेजने का आदेश दिया। इसमें कहा गया था, माउंट निताका चढ़ो। यह आदेश पर्ल हार्बर पर हमले के लिए दिया गया था। शुरुआत से ही यामामोटो ने बल दिया था कि विजय की कुंजी उनके प्रशांत वाहन सेना में 3 संयुक्त राज्य अमेरिका कैरियरों को नष्ट करना होगा। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकाइस एंटरप्राइज, संयुक्त राज्य अमेरिका लेकिन अमेरिका अमेरिका में हवाई पट्टियां और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका इस लेक्सिंगटन, और एक साथ सभी को पकड़ने का समय नागुमो के हाथ से फिसलने लगा था। साराटोगा संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में रिफिट कर रहा था, इसलिए 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर में नहीं था, जिसने एंटरप्राइज और लेक्सिंगटन को अकेला छोड़ दिया। 2-8 नवंबर को एंटरप्राइज ने पर्ल से बाहर निकलने की आज्ञा दी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मरीन कोर के 12 फचारफ वाइल्डकैट फाइटर्स को वेक द्वीप ले जाने की आज्ञा शामिल थी। फिर हमले की शुरुआत से सिर्फ 2 दिन पहले लेक्सिंगटन भी हवाई जहाज वितरित करने में व्यस्त था, इस बार मिडवे द्वीप को। इसलिए जब जापानी नौसेना नजदीक पहुंची तो उन्हें निराशा हुई, क्योंकि वाहक वहां नहीं थे। यही हमले का पूरा विचार था,
इन वाहकों को युद्ध से बाहर करने का, इससे पहले कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका को विजयी बना सकें। जापानियों ने सब कुछ दांव पर लगाकर यहां पहुंचने की कोशिश की, पर वे अभी भी अपने मुख्य लक्ष्य से दूर थे। फिर भी हमले को आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया गया। वे अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना पर प्रबल हमला कर सकते थे, जो उन्हें भविष्य की सामना में कमजोर करेगा, जहां 3 कैरियर्स को उच्चतम जापानी संख्याओं के उपयोग से नष्ट किया जा सकता है। 1941 के दिसंबर की 6 तारीख की शाम को शांति के अंतिम समय में संयुक्त राज्य अमेरिका कोड तोड़ने वाले ने प्रशांत महासागर में कोडित संचारों को रोकना आरंभ किया। उन्हें इसका मतलब पता नहीं था, क्योंकि पूरी तस्वीर उनके पास नहीं थी। उन्होंने सोचा जापान दक्षिण पूर्वी एशिया और फिलीपींस पर हमला करेगा, लेकिन चेतावनी पर्ल हार्बर पहुंचने से पहले ओहू पर सूरज उग चुका होता है। घंटे ओहू द्वीप के उत्तर में जॉर्ज आई के टेंट्स के अंदर एक अलार्म बजता है। एलियट जूनियर और जोसेफ एल लॉकहार्ट, लेकिन यह कोई चेतावनी नहीं है। यह वास्तव में उन्हें उनके द्वीप के उत्तर में स्थित रेडार स्टेशन पर अपने कर्तव्यों की शुरुआत करने के लिए एक अलार्म है। उनकी रेडार साइट मोबाइल इकाइयों में से एक है, जिसमें 4 वाहन हैं जो एंटीना, पावर जनरेटर और सहायक उपकरण ले जाते हैं। ये ओहाहू के चारों ओर इकट्ठा किए गए थे व्यापक कवरेज के लिए। 532 फीट ऊपर स्थित उपना नामक स्थल पर 2 रेडार ऑपरेटर्स को समुद्र का अद्वितीय दृश्य मिलता है। विमानों को स्कैन करने के लिए उनके SCR-270 रेडार एंटीना पर दोनों पुरुष 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन रेडार सिर्फ सुबह 0400 से 0700 घंटे तक संचालित होता है। फिर भी यह मुख्यतः प्रशिक्षण के लिए है। बाकी समय वे रखरखाव, साइट की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के खिलाफ जासूसी करने में बिताते हैं। सामान्य रेडार स्क्रीन की छवि, जिसमें एक गोल्डिश और एक बीम होती है, के विपरीत यह प्रारंभिक रेडार सेट ने एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके प्रदर्शन उत्पन्न किया जब वस्तु संसूचित होती है। यह केवल उन्हें बता सकता है कि वहां कुछ है, यह उन्हें उनकी पहचान नहीं बता सकता। 357 घंटे ओआहू के जलों के आसपास समुद्र में पहले घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध पोतों में से एक है विक्स वर्गीय नष्ट कर्णक USS वार्ड, जिसकी संचालन लेफ्टिनेंट कमांडर विलियम W ने संभाला है। आउटर ब्रिज, जिन्होंने केवल 2 दिन पहले ही जहाज की कप्तानी संभाली थी। वार्ड पर निगरानी करने वाले लोग माइन स्वीपर USS कॉन्डोर को देखते हैं, जो यह सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने पानी में पेरिस्कोप देखा है। इस प्रकार आउटर ब्रिज ने अपने लोगों को संभावित जापानी पनडुब्बी की खोज के लिए निर्देश दिए। 600 घंटे कमांडर मित्सुओ फुशिदा के नेतृत्व में जापानी विमानों की पहली लहर अपने वाहकों से उड़ान भरना शुरू करती है। इसमें 183 विमान होते हैं और 3 समूहों में बांटे जाते हैं। 2 समूहों को पर्ल के नजदीकी हवाई अड्डों पर हमले के आदेश हैं, ताकि मुख्य समूह बैटलशिप रो पर हमला कर सके। बैटलशिप USS नेवाड़ा के अनुसार इंसाइन जोसेफ के तौसिक जूनियर को 4 बजे की पहरा कमांड के लिए जगाया गया। शांत रविवार की सुबह बंदरगाह के डेक अधिकारी होना उबाऊ होता है, इसलिए तौसिक ने कुछ करने के लिए विचार किया। उसे याद आया कि पर्ल में प्रवेश के बाद से केवल 1 बॉयलर जलाया गया था, इसलिए उसने 1 और बॉयलर जलाने का आदेश देने का निर्णय लिया, भले ही इसे और ड्यूटी कर्मचारियों को कुछ करने के लिए। 630 घंटे समुद्र में एक समूह मोनोप्लेन डाइव बॉम्बर कैरियर के डेक से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका विमान है, न कि जापानी। पर्ल हार्बर के 200 मील पश्चिम में जहाज चला रहा है विमान वाहक यूनाइटेड स्टेट्स ओन ऑफ अमेरिका एंटरप्राइज, और यह 18 डगलस सोलोमन द्वीप समूह डाइव बॉम्बर्स की एक व्यवस्था को लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। एंटरप्राइज को पहले ही पर्ल हार्बर में होना चाहिए था, पर एक तूफान ने 24 घंटे देरी करवा दी। सोलोमन द्वीप समूहस को फोर्ड द्वीप पर उतरने से पहले क्षेत्र की गश्त करने के आदेश दिए गए। 637 घंटे USS वार्ड के बोर्ड पर लुकआउट एक और संयुक्त राज्य अमेरिका जहाज, इस बार एक संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका नेवी सप्लाई जहाज एंटारेस को देखते हैं, जो पर्ल के प्रवेश द्वार की ओर एक 500 टन की बार्ज के साथ सेल कर रहा है। एंटारेस ने उम्मीद की टगबोट से मिलेगा, जो बार्ज से छुटकारा दिलाएगा, पर समय पर न पहुंचने पर उसे पर्ल के प्रवेश को स्पष्ट रखने के लिए पूर्व की ओर कोर्स बदलना पड़ा। टगबोट का इंतजार करते हुए जहाज के मुड़ने पर
क्रू सदस्यों ने देखा कि एक छोटी सी सफेद जागृति उनके पीछे छूट रही है। यह समझते हुए कि यह एक पेरिस्कोप है, एंटारिस त्वरित रूप से अपना स्थान यूएसएस वार्ड को संकेत करता है और हमले की भावना को महसूस करते हुए आउटर ब्रिज अपने क्रू को सामान्य क्वार्टर्स की ओर आदेश देते हैं और पनडुब्बी को रोकने के लिए चलते हैं। एक कक्षणीय पीबीवाई कैटलिना भी दृश्य पर झूलता है, लक्ष्य के स्थान को चिन्हित करने के लिए धुआं बम डालता है। वार्ड अपनी डेक गन से आग खोलता है, उसके बाद अपनी तेज गति से सबमरीन को पार करता है और गहराई चार्ज डालता है, जिससे जापानी जहाज नष्ट होता है और उसके दो क्रू सदस्य मर जाते हैं। आउटर ब्रिज तुरंत पर्ल हार्बर को हमले के बारे में कोडित संदेश भेजता है। डिकोड करने में देरी होने के बाद इसे एडमिरल किमेल को सौंपा जाता है, जो इसकी पुष्टि करने की मांग करते हैं कि यह असली है और कोई झूठी चेतावनी नहीं है। 700 घंटे। अनजान प्राइवेट एलियट और लॉकहार्ट अपनी वॉच का समापन कर रहे हैं, समुद्र में खुलने वाले नाटक की ओर और राहत दल और नाश्ते की प्रतीक्षा में। नई इकाई के सदस्य एलियट ने अपना अधिकांश समय प्लॉटिंग टेबल पर बिताया, जहां वह लॉकहार्ट द्वारा देखे गए किसी भी ट्रैक्स को मार्क करता और जानकारी को मुख्यालय में भेजता। हालांकि अब तक कोई नहीं था। उनके बेस पर वापस जाने के लिए ट्रक की प्रतीक्षा करते समय दोनों पुरुषों ने अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने का निर्णय किया, जिसमें वे एलियट लॉकहार्ट के मार्गदर्शन में ऑस्किलोस्कोप का प्रबंधन करेंगे। ऑस्किलोस्कोप ज्यादातर समय स्कैन करते हुए सीधी रेखा खींचता है, जिसका संकेत है कि उसने कुछ नहीं पाया, लेकिन अचानक और अप्रत्याशित रूप से वह उछाल उठता है। लॉकहार्ट ने उछाल के आकार का निरीक्षण करते हुए आश्चर्यचकित हुए, जो उसे सबसे ज्यादा विमानों की संख्या दिखाता है जितनी उसने कभी एक समय में देखी है। पुरुषों ने तुरंत होनोलुलु के फोर्ट शाफ्टर से अपनी खोजों की रिपोर्ट के लिए संपर्क किया। निजी जोसेफ मैकडोनाल्ड की बातचीत में, जो लेफ्टिनेंट कर्मिट टेलर की खोज में प्लॉटिंग कक्ष में थे, टेलर ने लॉकहार्ट की अविश्वसनीयता पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह बताते हैं कि वे ओहाहू की ओर आने वाले एक बड़े विमान गठबंधन की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और चिंतित युवा रडार ऑपरेटर के पास मैकडोनाल्ड टेलर लौटते हैं और उसे सीधे बात करने के लिए कहते हैं। लेफ्टिनेंट टेलर ने लॉकहार्ट और एलियट से कहा कि वे ट्रैक की अनदेखी करें, क्योंकि उन्हें पता था कि वे B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर्स के समूह की उम्मीद कर रहे थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से व्हीलर फील्ड पर उड़ान भरने वाले थे। लॉकहार्ट, एलियट और मैकडोनाल्ड इससे असंतुष्ट हैं, पर उन्हें वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना है। कुछ ही मिनटों बाद ड्यूटी से छुटकारा मिलने पर मैकडोनाल्ड गंभीरता से अपने टेंट में वापस आते हैं। जब एक साथी ने पूछा कि क्या गलत है, तो उन्होंने बताया, जाप्स आ रहे हैं। 726 घंटे में नष्टकर्ता यूएसएस हेल्मलंगर छोड़कर बंदरगाह के विभिन्न बुइयों की नियमित रखरखाव करने लगता है। 740 घंटे एलियट और लॉकहार्ट उन विमानों के गठन से संपर्क खो देते हैं, जिन्हें उन्होंने आधे घंटे पहले ही पता लगाया था। एक ट्रक उन्हें उनके मुख्य बेस पर वापस ले जाता है, ठीक उसी समय जब ओआहू पर विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है। 764 घंटे पर कमांडर मित्सुओ फुशिदा हमले की आदेश देते हैं। प्रशांत महासागर युद्धपोत के पुरुष जब नींद से जागते हैं, बंदरगाह एरो इंजनों की ध्वनि से गूंज उठता है। अभी भी उनमें से कई आसन्न खतरे से अनभिज्ञ हैं। वे विमानों को नौसेना या सेना के पायलटों को सुबह की कुछ प्रशिक्षण करते हुए मानते हैं। सुबह के ध्वजारोहण समारोह के समय यूएसएस नेवाड़ा जैसे जहाजों पर संगीत बजता है। वे केवल पहले विस्फोट शुरू होने पर ही अंततः समझते हैं कि क्या हो रहा है। जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकियों को पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया है। युद्धपोत रो प्रारंभिक हमलों का ज्यादातर भार उठाता है, जिसमें यूएसएस ओक्लाहोमा पर 2 टॉर्पीडोज के प्रहार होते हैं, जिससे उसके खोल को क्षति होती है। कुछ ही मिनटों में 3री टॉर्पीडो युद्धपोत को प्रहार करके लगभग उलट देती है। हमले के शुरुआती मिनटों में यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया संशोधित प्रकार 89 टॉर्पीडोज से 7 टॉर्पीडो हिट्स लेता है, जबकि लगभग समानांतर रूप से यूएसएस कैलिफोर्निया 2 लेता है। फिर जापानी अपने स्तरीय बम बरसाते हैं। लगभग 10 जापानी यूएसएस एरिजोना को 1760 पाउंड आर्मर पियर्सिंग शैल्स के साथ निशाना बनाते हैं, जो जहाज को विनाशकारी प्रभाव से मारते हैं। एक बम जहाज के मैगजीन के पास विस्फोटित होता है। शक्तिशाली विस्फोट से जहाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पास में भारी क्रूजर यूएसएस हेलेना को 1 टॉर्पीडो से हिट किया जाता है, जब जापानी पायलट ने अल्प रोशनी में उसे एडमिरल किमेल के ध्वजवाहक युद्धपोत पेंसिल्वानिया से भ्रमित किया।
हिट से यूएसएस ओगलाला माइन लेयर को क्षति हुई और पानी लेना शुरू हो गया, जिसे डूबने से बचाने की कोशिशों को जापानी विमानों के स्ट्रेफिंग हमलों ने बाधित कर दिया। एक और क्रूजर यूएसएस रिलैक्स टॉर्पीडो से प्रभावित होता है और जैसे जैसे पानी भरता है वह सूचीबद्ध होने लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सैलर तुरंत अपनी रक्षात्मक स्थितियों पर भागते हैं और आग प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें कुछ जापानी विमान शामिल हैं। युद्धपोत पंक्ति में तोपची को जापानी विमानों पर निशाना साधने में कठिनाई होती है, क्योंकि युद्धपोत कसकर बंद होते हैं, जिससे एक दूसरे को गोलियों से छिड़कने का खतरा होता है। आग लौटाने वाले जहाजों पर गोला बारूद की आपूर्ति तेजी से समाप्त हो जाती है, अक्सर मिनटों में, जिससे क्रू को जहाज की दुकानों से नई आपूर्ति लानी पड़ती है। मानो यह सब कुछ काफी नहीं होता, पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका वायु विरोध इतना कम होता है कि जापानी जीरो फाइटर्स बचाव तोपची को गोलियों से गोलीबारी करने लगते हैं। आंतरिक भूभाग में जैसे ही पर्ल पर पहले बम बरसने लगे, बार्बर के पॉइंट बेलोज हिकम और व्हीलर पर सेना के हवाई अड्डे हमले के निशाने पर आते हैं। बम स्थानीय तोड़फोड़ करने वालों से उन्हें बचाने के लिए विमानों के बीच में गिरते हैं, जिससे भारी क्षति होती है। व्हीलर फील्ड पर पायलट जैसे लेफ्टिनेंट फिल रास्मुसेन अभी भी पजामे में थे जब उन्होंने उपलब्ध हथियार उठाए और जापानी विमानों पर गोली चलाई। फील्ड हमले के ठहराव में रास्मुसेन और साथी क्षति को मूल्यांकन करते हैं। उनके P-38 और P-40 लड़ाकू विमान अधिकांश जल रहे हैं, परंतु कुछ बिना क्षति के बच गए हैं। उन्हें उन्होंने जल्दी से हथियार और ईंधन से भरा और उड़ान भरी। बावजूद अपने 30 छह की कमी और बंदूक के जाम होने की, रास्मुसेन फिर भी एक जापानी लड़ाकू विमान को गिराने में सफल होता है। कुल मिलाकर व्हीलर के पायलटों ने 11 जापानी विमानों को गिराने में सफलता पाई, लेकिन यह उनके खिलाफ लाए जा रहे कुल बल की तुलना में समुद्र में एक बूंद थी। हमले के दौरान एंटरप्राइज के सोलोमन द्वीप समूह पर्ल हार्बर पहुंचे और वहां देखी गई स्थिति पर विश्वास नहीं कर सके। लगभग तत्काल उन पर न केवल जापानी विमानों बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका गनर्स द्वारा भी हमला होता है, जो उन्हें जापानी कैरियर बॉम्बर्स से अलग करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिसके चलते 7 को गिरा दिया जाता है उत्कृष्ट होने से पूर्व। थोड़ी देर बाद B-17 लेफ्टिनेंट टेलर, जिनका आगमन उन्हें उम्मीद थी, उन पर भी जापानी पायलट और संयुक्त राज्य अमेरिका गनर्स द्वारा आग लगाई जाती है। विमानों में कई क्षतिग्रस्त होते हैं और हिकम फील्ड पर भारी वायु हमले के कारण बॉम्बर्स नजदीकी हवाई अड्डों की ओर मुड़ते हैं। 817 घंटे हमले के दौरान बंदरगाह के बुइयों की रखरखाव के लिए तैयार नष्टकर्ता यूएसएस हेल्म बंदरगाह को छोड़ने की ओर मुड़ता है। नष्टकर्ता खुले समुद्र की ओर जाता है, जहां यह आसानी से मनोवर कर सकता है। एक निगरानी नजदीकी प्रवाल पर फंसी वस्तु का नोटिस लेता है और जल्दी से इसे 2 मनुष्य की पनडुब्बी के रूप में पहचानता है। स्टारबोर्ड की ओर मुड़कर हेल्म छोटी पनडुब्बी पर आग खोलता है, लेकिन चूक जाता है और पनडुब्बी जल्दी भाग जाती है। फिर भी यह ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि यह तेजी से प्रवाल पर अटक जाता है। अंततः बोर्ड पर मौजूद दोनों पुरुष पनडुब्बी त्याग देंगे, एक डूब जाएगा और दूसरा काजुजो साकामाकी संयुक्त राज्य अमेरिकाओं का पहला जापानी युद्ध बंदी बनेगा। 827 घंटे नष्टकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका मोनाघन को वार्ड की सहायता के लिए समुद्र की ओर जाने का आदेश थोड़ी देर पहले ही मिला था, और जैसे ही यह चलने लगा उस पर हमला हो गया। बंदरगाह छोड़ने के प्रयास में यह एक बोना समुद्री उपनौका देखता है, जो जहाजों के बेड़े पर हमला कर रहा है, और इसके कप्तान ने इसे टक्कर मारने के लिए पूरी गति के आदेश दिए। पनडुब्बी 50 यार्ड जाने के बाद नष्टकर्ता गहराई बम डालता है, जिसका विस्फोट इतना प्रचंड होता है कि इसके पिछले हिस्से को पानी से बाहर उठा देता है, स्टीयरिंग को क्षतिग्रस्त करता है। नियंत्रण खोने से जहाज एक नाव से टकराता है, परंतु क्षति सीमित होती है। 830 घंटे नष्टकर्ता यूएसएस एल्विन के क्रू जहाज को डॉक से जल्दी हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि वे बैठे बतख न बने। समुद्री छुट्टी पर अधिकांश क्रू के होते हुए वरिष्ठ अधिकारियों सहित ऑल्विन अपने नियमित क्रू का 50% से कम लोगों और एक युवा एनसाइन स्टैनली बी के साथ बोर्ड पर रहता है। कप्लान कमांड में कप्लान ने मात्र 8 महीने समुद्र में बिताए हैं, और अब वह एक नष्टकर्ता की कमांड कर रहा है, भारी गोलीबारी और नरसंहार से बचने की कोशिश कर रहा है। नष्टकर्ता चलने शुरू होने के कुछ समय बाद निगरानी करने वाले ने जहाज के कप्तान को कई अधिकारियों के साथ मोटर लॉन्च में बोर्ड करते हुए देखा उन्हें पहुंचने से पहले, लेकिन कप्लान को पर्ल के नष्टकर्ता बल के कमांडर के आदेशानुसार धीमा या रुकने के लिए नहीं कहा गया।
और वह पुरुषों को पीछे छोड़ देता है। गनर अपने पहले कमांड पर है, जबकि वह अल्विन को समुद्र की ओर ले जा रहा है। वह ऊपर के जापानी विमानों पर गोली चला रहा है। लगभग 3/4 घंटे के निरंतर हवाई हमले के बाद युद्धपोत रो जलते हुए छोड़ दिया जाता है। जब जापानी युद्ध विमानों की पहली लहर अपने हमले खत्म करके वापस अपने वाहकों की ओर जाती है, लेकिन दूसरी लहर बहुत पीछे नहीं है। 840 घंटे भारी बाढ़ का कारण बनने वाले टॉर्पीडो हिट के बावजूद युद्धपोत यूएसएस नेवाडा एनसाइन टॉसिक के फैसले की वजह से जहाज के एक और बॉयलर को जलाने में सक्षम होता है। जो काम 2 घंटे में होना था वह 40 मिनट में होता है, और शक्तिशाली युद्धपोत अब बंधनों से मुक्त है और जापानियों के लिए बैठा हुआ बतख नहीं है। 854 घंटे हमलों की दूसरी लहर शुरू होती है, जिसमें 35 लड़ाकू विमान, 70 8 डाइव बॉम्बर और 54 उच्च ऊंचाई बॉम्बर से युक्त एक जापानी बल शामिल है। हालांकि अब संयुक्त राज्य अमेरिका बल पूरी तरह सक्रिय होकर दूसरी लहर से सामना कर रहे हैं। 7 दिसंबर को हुए अधिकांश जापानी हानियां दूसरी लहर में हुई हैं, जिनके पास पूरी तरह से आश्चर्य का लाभ नहीं है और इसे एडमिरल नागुमो ध्यान नहीं देते हैं। 950 घंटे जापानी डाइव बॉम्बर्स के बार बार हमलों से खुद को बचाते हुए यूएसएस नेवाड़ा खुले समुद्र की ओर जा रहा है, जब इसे 5 जापानी 250 किलोग्राम बम लगते हैं। जापानी पर्ल की ओर जाने वाले मार्ग में युद्धपोत को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे प्रवेश निकास रुक जाएगा और ओहू पर संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के खिलाफ उनकी क्षति बढ़ेगी। इन हल्के बमों ने युद्धपोत को क्षति पहुंचाई, लेकिन इसे डुबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे अब आग लगा देते हैं, जो फंसे हुए कर्मियों के लिए जापानी की तरह बड़ी खतरा है। 100 घंटे उनके बम, गोलियां, टॉर्पीडो खत्म हुए और ईंधन कम हुआ। अंतिम जापानी पायलट विमान वाहकों की ओर लौटने लगते हैं, तीसरे हमले में भाग लेने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उनमें से कई के निराशा के बावजूद एडमिरल नागुमो ने तीसरे हमले को रद्द कर दिया है। नागुमो ने यह तर्क किया कि उनके अधिकांश लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुके थे, और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अब और हमलों के लिए तैयार थे तो वह अपने पायलटों और विमानों की अनावश्यक बलिदान कर रहे होंगे, जो उनकी शक्ति को कम करेगा और जिनकी जरूरत संयुक्त राज्य अमेरिका वाहकों के खिलाफ युद्ध में होगी। उनके सभी विमान वाहक डेक पर वापस आने पर उन्होंने बेडे को वापसी का आदेश दिया। उस सुबह उन्होंने जो 350 विमान युद्ध में भेजे थे, उनमें से 19 खो गए हैं, जो कि पहुंचाई गई क्षति के लिए अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा है। 1030 बजे नेवाड़ा के क्रू के प्रयासों के बावजूद पर्ल हार्बर से भागने का प्रयास बमों से हुए आग के कारण बाढ़ का सामना करने से नियंत्रण टीमों को रोक दिया गया है, और डूबने का डर महसूस करते हुए युद्धपोत के क्रू को आदेश दिया गया है कि वह जहाज को नजदीकी फोर्ट द्वीप पर चलाएं। एक टग और एक छोटे माइनस्वीपर की मदद से नेवाड़ा हॉस्पिटल पॉइंट पर किनारे को मारता है, और अब वह मोबाइल नहीं है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को पर्ल हार्बर की घटनाओं की तत्काल सूचना मिली थी। समय स्थिति को देखते हुए वॉशिंगटन और ओहाहू के बीच नेवी के सचिव फ्रैंक कनॉक्स ने राष्ट्रपति की चल रही बैठक में, जो उनके सलाहकार हैरी हॉपकिंस के साथ थी, उन्हें यह सूचित करने के लिए बाधित किया कि जापानी पर्ल हार्बर पर हमला कर रहे थे। प्रथम महिला एलिनोर रूजवेल्ट ने एक महत्वपूर्ण दिन पर याद किया कि उनके पति ने नवीनतम जानकारी प्राप्त करते समय एक मृत शांत व्यवहार प्रदर्शित किया, हालांकि वे हमले से आक्रोशित थे। उन्होंने जापान के संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए जो कुछ भी किया था। इसके अतिरिक्त जापान ने युद्ध की शुरुआत के तरीके से वह और उसकी मंत्रिमंडल और अधिक क्रोधित हुए। पर्ल हार्बर पर बम बरसने के साथ और आधे घंटे बाद जापानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ अपने युद्ध की घोषणा सौंपी। उन लोगों में जिनसे विचार विमर्श हुआ था, ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भी शामिल थे, जिन्होंने उसी दिन अपने देश को जापान के साथ युद्ध में पाया। पर्ल हार्बर हमले के साथ जापानी सेनाओं ने ब्रिटेन की हांगकांग जैसी पूर्वी संपत्तियों पर हमला किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने रूजवेल्ट से कहा, हम सभी अब एक ही नाव में हैं। रूजवेल्ट ने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए एलनोर को यकीन दिलाया कि वे उम्मीद करते हैं कि जर्मनी जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपने जापानी सहयोगियों के अनुसरण में युद्ध की घोषणा करेगा।
रूजवेल्ट ने यामामोटो को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं था और संयुक्त राज्य अमेरिका उद्योग को कार और फ्रिज से टैंक और बम बनाने में पुनर्गठन करने में समय लगेगा। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि उनकी राय में देश को उद्धरण हमें विजय प्राप्त करने से पहले काफी सारी हारें झेलनी पड़ेंगी। ज्ञानयुक्त होकर एलिनोर रूजवेल्ट उस रात अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए रेडियो पर गईं। चौंके हुए, गुस्से में और डरे हुए श्रोताओं के लिए उन्होंने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया, उद्धरण, जो कुछ भी हमसे पूछा जाएगा हम उसे पूरा करेंगे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के मुक्त और अजेय लोग हैं। जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों से घर में बात कर रही थी, उसके पति और उनकी सचिव ग्रेस टली अगले दिन संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान सभा के लिए एक भाषण तैयार कर रहे थे। शाम को उन्होंने और उनकी मंत्रिमंडल ने पर्ल हार्बर की नवीनतम रिपोर्टों पर चर्चा की। समाचार भयानक था। घटनास्थल से हानि की रिपोर्टें प्रत्येक संदेश के साथ तेजी से बढ़ रही थीं। इतने सारे जहाजों की क्षतिग्रस्त या डूबने से संघर्ष के प्रारंभिक दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी की प्रशांत वाहिनी को महत्वपूर्ण झटका लगा। बचाव की कृपा यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी वाहकों को चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया था। एक अशांत रात के बाद 8 दिसंबर 1918 को दोपहर 12:30 रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित किया। मैं गर्वित हूं कि जापान द्वारा रविवार 7 दिसंबर 1941 को किए गए अप्रेरित और कायरतापूर्ण हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जापानी साम्राज्य के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक घंटे में कांग्रेस ने जापान पर युद्ध घोषित करने का मतदान किया। मतदान लगभग एकमत्य था। जीनेट रैंकिन की एकल आवाज को छोड़कर, जो मोंटाना की एक रिपब्लिकन थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कार्यालय रखने वाली पहली महिला थीं। रैंकिन ने घोषणा के खिलाफ मतदान किया, अन्य प्रतिनिधियों के दबाव को नकारा, यहां तक कि जब उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा और सीटी भी बज रही थी। अपनी तर्क की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक महिला हूं, मैं युद्ध में नहीं जा सकती और मैं किसी और को भेजने से इनकार करती हूं। पर्ल हार्बर पर वापसी पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ऑफ अमेरिका एंटरप्राइज कैरियर ने 8 दिसंबर की दोपहर में गंभीरतापूर्वक नौकायन की, जहां क्रू ने पहली बार विनाश को देखा जिसे उन्होंने कठिनाई से बचाया था। एक दिन पहले उन्होंने जापानी नौसेना की संभावित हमले की वजह से विमानों का शुभारंभ किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। प्रतिशोध लेने के उत्साह से कम पर्ल पर दूसरे हमले में निष्प्रभावी नहीं होने के लिए हर आदमी ने ईंधन, हथियार और कैरियर की पुनः आपूर्ति में जल्दबाजी की। जैसे ही फिलीपींस के आक्रमण की खबर फैल गई, वहां मौजूद सभी लोगों के लिए और जो नहीं थे, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका और दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका संपत्तियों के लिए उनके मन में केवल एक ही बात थी, पर्ल हार्बर का प्रतिशोध लेना। पर्ल हार्बर पर हमले में 2,335 संयुक्त राज्य अमेरिका सेवा कर्मियों और 67 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके साथ 1,178 लोग घायल हुए। जापानियों ने 4 युद्धपोतों को डुबाया, 4 को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया, कई क्रूजर्स और सहायक जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया और लगभग 390 विमान नष्ट किए। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका वाहकों के बचने का मतलब था कि अंततः हमला सिर्फ जापान को उस 6 महीने की खरीदारी दिलाएगा जिसे यामामोटो ने जरूरी माना था अपने सहयोगियों को परास्त करने के लिए। यह कुछ ऐसा था जिसमें जापान विफल रह जाएगा। 1942 के जून में मिडवे युद्ध में पर्ल हार्बर हमलावर 4 वाहक संयुक्त राज्य अमेरिका वायुशक्ति द्वारा नष्ट कर दिए गए। यह एक पराजय होगा जिसे जापान कभी नहीं भूल पाएगा और जो 1945 में जापानी साम्राज्य के अंत के लिए कैटलिस्ट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्ल हार्बर ने संयुक्त राज्य अमेरिकाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी।
विशेष रूप से जब सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निरंतर एक और आकस्मिक हमले में अस्तर्क पकड़े जाने का डर जताया, लेकिन इस बार परमाणु हथियारों के साथ, और इसलिए उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम और खुफिया जुटाने की तकनीकों में अरबों डॉलर का निवेश किया। उन्होंने सोवियत संघ का सामना करने के लिए एक विशाल पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम भी शुरू किया, ताकि 7 दिसंबर 1941 के अनुपात में संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे जो हो सकता है। लेकिन पहली बार होने से रोकने के लिए प्रयास करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिकाओं ने 1930 के दशक में जापानियों के मुकाबले सोवियत संघ का सामना करने के लिए एक अधिक आक्रामक विदेश नीति अपनाई। युद्धकालीन सबकों की सीखने के बाद कई इतिहासकारों ने संयुक्त राज्य अमेरिकाओं को हमले की सूचना होनी चाहिए थी या नहीं, ऐसा प्रश्न उठाया है। क्या मुख्य सबूतों को छोड़ दिया गया था, या जैसा कुछ लोगों ने कहा, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था? इतिहास की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की तरह पर्ल हार्बर ने विवादित साजिशों की उत्पत्ति की है, जिन पर अब तक बहस होती है, विशेष रूप से यह कि क्या रूजवेल्ट को पहले से पता था कि 7 दिसंबर से पहले हमला होने वाला है। यह स्पष्ट है कि पर्ल हार्बर सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला नहीं था। एक ही चोट में इसने विश्व इतिहास की दिशा को बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में और आज की अपनी स्थिति में फेंक दिया, शायद सबसे प्रभावशाली और निश्चित रूप से पृथ्वी के चेहरे पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र।